नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम आप तक, पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम, आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम, सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी सी छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। देख रहा इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के आरा सासारा मुख्य पथ के पास में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ बच्चियां जो कि डॉक्टर के ड्रेस में यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर जो भी मतलब ग्रामीण जनता या स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों को समझा रही है। तो आइए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इन बच्चियों के द्वारा जो कि अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे डॉक्टर के ड्रेस में यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ जो जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है इसका विषय क्या है और विशेष मैं जानकारी आपको ये भी देने का प्रयास करूंगा कि ये जो संस्था है ये संस्था कहाँ का है। और मेरा नाम गोल्डन कुमार पड़ेगा। अभी आप लोग संझौली प्रखंड में क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं। जी, किस चीज़ का प्रचार? पैरामेडिकल कोर्स नोखा में खुला हुआ है। अच्छा, उसी का। तो इस मेडिकल के माध्यम से आप लोग यहाँ जो जागरूकता फैला रहे हैं इससे लोगों में किस प्रकार का, युवाओं में किस प्रकार का जागरूकता फैल सकता है? इसमें निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवा में नौकरी में बेहतरीन अवसर, स्वास्थ्य क्षेत्र में उज्जवल करियर का अवसर, विभिन्न पाठ्यक्रमों को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर, रोजगार प्राप्त करने में सहायता एवं मार्गदर्शन भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र। कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर रहने का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक संस्था है, क्या नाम है संस्था का? निर्माया इंस्टीट्यूट। कहाँ पर ये है? नोखा में। नोखा में ये मेडिकल का प्रैक्टिस किया जा रहा है और जो भी बच्चे इस प्रैक्टिस से बाहर आएंगे तो उनको एक रोजगार मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आत्म भारत निर्भर का यह एक जीता जाता छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल से संबंधित यहाँ पर स्टूडेंट भी उपस्थित हैं और अपने कॉलेज का प्रचार और प्रसार करने के लिए आज यहाँ संझौली में उपस्थित हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है बाबू आपका? देखिए सर, मेरा नाम प्रीति है। जी, आप स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम स्टूडेंट हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज को आगे बढ़ाएं। किस प्रकार? ये मेडिकल कॉलेज के तहत से। तो आपको उम्मीद लग रहा है कि इस संस्था में जो भी बच्चे और बच्ची एडमिशन लेंगे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है? यस सर। किस प्रकार? किस प्रकार से कि हम देख रहे हैं आपकी कोई बीएससी ग्रेजुएशन करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। और इसमें जब आए मेडिकल लाइन में तो जरूर हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। हम सिल्क को आगे बढ़ाएं और एथी करके अपना लेकर। एक तरफ जहां सरकार के पास में रोजगार नहीं है तो इस संस्था के माध्यम से यहां पर रोजगार देने का एक भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर संझौली, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि इस दृश्य को कैद करने का प्रयास किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहां पर स्कूली बच्चे भी उपस्थित है इस चीज़ को देखने के लिए। यहाँ पर भीड़ एकत्र हो चुका है क्योंकि यहाँ के लिए एक नया है। आखिर नया क्यों है इस प्रकार का संस्था? अब तक संझौली में या रोहतास जिला में कहाँ कहाँ है इस बात की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। इस प्रकार की एक संस्था आपको नारायण मेडिकल जो कि डिहरी में पड़ता है वहाँ भी है, उसी का हूबहू कुछ न कुछ नकल यहाँ पर भी करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे इस संस्था से बाहर निकले तो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना परवरिश खुद कर सके। तो यहाँ जो डायरेक्टर है उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि संस्था को खोलने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और इस संस्था के माध्यम से किस प्रकार की फैसिलिटी उन तमाम स्टूडेंटों को मिलने वाली है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम विक्की पटेल है। ये कोर्स स्किल कम्युनिटी कॉलेज पर पैरामेडिकल नोखा है। यहाँ पे स्किल की पढ़ाई होती है, जैसे मोदी साहब बोलते हैं कि आप यहाँ पे आप मन की बात आप सुनते ही हैं, बोलते हैं कि स्किल की पढ़ाई करिए, स्किल की पढ़ाई करिए। एक छोटी सी शुरुआत है हमारे क्षेत्र में जिससे लोगों में स्किल डेवलपमेंट होगा, बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, काफ़ी कम पैसे में पढ़ाई करेंगे और आगे चल के चार एक साल के बाद खुद का रोजगार गांव में, घर में, शहर में कर पाएंगे। हम लोग 100% प्लेसमेंट भी दे रहे हैं और ये कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी
करने का भी आपको मतलब सुनहरा अवसर मिल सकता है। बस बस धन्यवाद सर। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम इस संस्था के स्टूडेंट उपस्थित हैं और इन्हीं के माध्यम से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संझौली प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि विजेंद्र पटेल भी उपस्थित हैं। इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार का जो ये पहल किया जा रहा है कैसा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ रोहतास जिला के संझौली प्रखंड से लगे ही नोखा प्रखंड में मतलब नोखा में खुला हुआ है और इसमें लड़का लड़की इससे ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार भी खोल सकते हैं। ऐसे अस्पताल में सरकारी एने में या किसी चीज़ की कमी होगी तो उसमें भी इनका बहाली हो सकता है। अभी हमारे साथ में विक्की यादव जुड़ चुके हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रावधान क्या है और गरीब उन छात्र छात्राओं के लिए क्या सुविधा दी जा रही है। देखिए प्रावधान बहुत सिंपल है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारे पास 10 कोर्स है जिसमें कुछ कोर्स ऐसे हैं जो 10th पे है और कुछ कोर्स ऐसा है जो इंटरमीडिएट पे है। आप अपना मार्कशीट फोटो आधार कार्ड वगैरह लेकर के आइए। उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि गरीब बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ ज़्यादातर गरीब बच्चे ही हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम करेंगे। हमारी थॉट शुरुआत से ही रही है कि जब भी हम कॉलेज वगैरह ओपन करेंगे तो उसमें गरीब बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, फी वगैरह जो है बिल्कुल एकदम कम से कम रखा जाएगा गरीब बच्चों के लिए। और जहाँ से हम अफिलिएशन लेके आए हैं वहाँ का रूल भी है कि कुछ इसमें कुछ सीट ऐसे ही है जहाँ हम मतलब कि एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनको फीस का जो हाफ है उस पर हमें एडमिशन लेना है, तो मिल रही है सुविधा गरीब बच्चों को भी। इस प्रकार के संस्था में जो भी सुविधा मुहैया किया जा रहा है उस संस्था के प्राचार्य को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी को लेकर के हमारा बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है और आज यहां पर एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि जिसके पास कम पैसा है वो भी ये सपना पूरा कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया और यह रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के लिए एक सुनहरा अवसर आप देख सकते हैं कि नोखा में आ चुका है पारा मेडिकल। जी हाँ, यह डॉक्टरी का पढ़ाई है, कुछ न कुछ यहाँ से बच्चे हासिल करेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।